जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, चाहे वो पेंशनर हों या सर्विस में हों, उनके महंगाई भत्ता के ऊपर एक अपडेट लेकर आया हूँ। आप जानते हो कि आज किस तरीके से ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन, डिजिटल जमाना है। आपकी अगर कोई भी तिथि, कोई आपका रिव्यू कहीं किसी तारीख को ड्यू है, अगर आपने ड्यू डेट में अपना काम नहीं किया तो फिर आपको पेनल्टी लगती है। यानी जनता अपने लिए जवाबदेही है। इसी तरीके से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि DADR, DNS अलाउंस और DNS रिलीफ, जो महंगाई भत्ता मिलता है, अब उसके लिए भी RTI से जवाब मांगा गया है। क्यों? जैसा कि आप सभी जानते हो, अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े जो फरवरी माह के 28 मार्च को आने थे, वो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हो, द नेक्स्ट इश्यू ऑफ CPIW फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024 विल बी रिलीज ऑन थर्सडे 28 मार्च 2024। रिलीज होने थे लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। 2 हफ्ते से भी ज़्यादा का समय हो गया है। इसी के चलते अब इसमें RTI से जवाब मांगा है। क्यों? क्या सरकार की जवाबदेही नहीं? सरकार की भी तो जवाबदेही होनी चाहिए, इसीलिए तो RTI डाला गया है। RTI से जवाब मांगा है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, RTI रिक्वेस्ट रिसीव्ड हो चुकी है। कहां पर? पब्लिक ऑथॉरिटी। किससे जवाब मांगा है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से जवाब मांगा है। अब देखिए क्या है RTI, कब डाली, क्या लिखा, क्यों, क्या कहा है उन्होंने, इस डिस्क्रिप्शन में देखिए डिटेल से। ये यहां देखिए, ये आपके सामने ये डिस्क्रिप्शन है। द शेड्यूल डेट ऑफ रिलीज ऑफ CPI इंडस्ट्रियल वर्कर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024 वाज 28 मार्च 2024 एंड वाज टू बी अपलोडेड ऑन ऑफिस वेबसाइट www.laborbureau.gov.in। बट इवन आफ्टर 2 वीक्स द डाटा इज नॉट रिलीज एंड देर इज नो ऑफिशियल नोटिस अपडेट इज प्रोवाइडेड ओवर वेबसाइट फॉर एनी रीजन फॉर डिले। प्लीज शेयर द रीजन फॉर डिले एंड व्हेन विल बी CPI इंडस्ट्रियल वर्कर विल रिलीज फॉर द फरवरी 2024। जो फरवरी माह के आंकड़े 28 मार्च को रिलीज होने थे, अब तक नहीं हुए, ऐसा पूछा गया है। और यहाँ लिखा है, इफ ए कॉमन मैन फेल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट इन गिवन टाइम, देयर वाज ए पेनल्टी इम्पोज ऑन द इंडिविजुअल। अगर एक आदमी, आप अपने किसी भी ड्यू डेट पर फेल हो जाते हो, तो उसे आपको दोबारा करने के लिए आपको पेनल्टी लगती है। विल इट बी सेम फॉर द गवर्नमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट? क्या ऐसा सरकार के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी, या उस विभाग के ऊपर जो कंसर्न विभाग है, जिसका ये काम है करना, उनके ऊपर? जैसा कि आप जानते हो, कैलेंडर ईयर AICPN के लिए पहले ही निकाल दिया जाता है कि किस महीने के अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े किस महीने आएंगे। और जैसे ही आज आंकड़े रिलीज होते हैं, उसी लेटर के लास्ट में अगले महीने की डेट भी आपके सामने दे दी जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, ये डेट यहाँ पर पहले दी हुई है। ये जनवरी महीने के आंकड़े हैं, फरवरी में आए थे, और फरवरी के आंकड़े 28 मार्च 2024 को निकलेंगे, ये बता दिया गया है। कौन सी वेबसाइट पे आएंगे, ये भी बता दिया गया है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। इसी के लिए RTI डाली गई है और पूछा गया है, RTI से जवाब मांगा है कि 2024 फरवरी माह के अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े कब आएंगे। और क्वेश्चन भी पूछा है, क्या कॉमन मैन के ऊपर जब पेनल्टी लगती है, तो यहाँ गवर्नमेंट या कंसर्न विभाग के लिए भी क्या कोई ऐसा प्रोविज़न है? तो दोस्तों, ये थी जानकारी महंगाई दर और महंगाई भत्ता के संदर्भ में, जुलाई 2024 के लिए जो आंकड़े आने थे फरवरी माह के, उनके संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।